जो बचपन था वो किस तरीके का आपका बचपन था? देखिए, मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब जो पाकिस्तान में, वहाँ से 1947 के पार्टीशन के बाद आए थे। जन आंदोलन में एक ऐसा भी दिन आया था जब 1990, 92 और 94 में आपको 3 दिन के लिए 151 के अंतर्गत, वो एक जन आंदोलन था, उसमें भी फिर हमने गिरफ्तारी दी, हम भी फतेहगढ़ जेल चले गए। आपने बोला था कि पहले की जो सरकार थी उस टाइम पे कि स्पॉन्सर्ड क्राइम, आपने बात किया था कि स्पॉन्सर्ड क्राइम हुआ करते थे। स्पॉन्सर्ड क्राइम का मतलब था कि सरकार द्वारा योजित, जैसे सरकार के लोग हैं, जैसे किसी इंडस्ट्रीज चलती थी तो इंडस्ट्रीज से वसूली करते थे सत्ता पक्ष के लोग। पर सर, ऑपोजिशन पार्टी हमेशा ये कहती है कि मौजूदा सरकार शिलान्यास पर शिलान्यास कर रही है। इनकी कौन कहता है? मायावती जी ने क्या कहा था, उनको पता होना चाहिए जो भी सरकार में रहे, कम से कम सरकार में रहने वाले लोगों को यह पता होना चाहिए कि बजट हर साल का एलोकेशन अलग होता है। बाकी सर, आने वाले टाइम में किस तरीके के आगे और कौन कौन से विकास का बना लाइन कर, अब परिवारवाद की बात समाप्त हो चुकी है, अलगाववाद की बात समाप्त हो चुकी है, विघटनवाद की बात समाप्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार की बात समाप्त हो चुकी है। आज केवल एक बात है जिसके आधार के ऊपर राजनीति होती है, वो है विकासवाद और राष्ट्रवाद।